सीढ़ियां उन्हें हो मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, जिनकी मंजिल आसमां है, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 1 सुनने में ही अद्भुत है, तो पाने में क्या मजा होगा। गर्वित जैन ने कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 लाई, कैसे उन्होंने 4 विषय अकाउंटेंसी, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स की तैयारी की CA फाउंडेशन में, आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसे आसमां तक जाने का रास्ता खुद बनाया। बहाने तो बहुत होते हैं आपके पास कि कुछ करना है, कुछ नहीं क्यों करना है मुझे, मगर आपके पास एक ऐसा रीजन होना चाहिए जो उन सभी बहानों को पीछे कर दे और बोले कि नहीं, ये मुझे तो अचीव करना ही है, डेफिनेटली अचीव करना है। और अपने केस में मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरी फैमिली, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये सब हमेशा बहुत ही सपोर्टिव थे। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू तो ये कर सकता है, तू AIR 1 ला सकता है। मैं उन्हें हमेशा बोलता था कि यार ये कैसे पॉसिबल है, आज तक तो हमने सिर्फ पेपर, न्यूज़ और इनमें ही देखा है कि हाँ इसकी फर्स्ट रैंक आई है, हम तो नहीं किसी ऐसे को जानते हैं हमारे आपस में से जिसकी फर्स्ट रैंक आई हो। मगर उन्होंने हमेशा मुझे मना करा और यही बोला कि नहीं, तू कर सकता है, तू हमेशा पूरे हार्डवर्क, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट को अचीव करने में लग जा और तू ये कर सकता है। और ऐसा बोलते हैं ना, इफ़ everyone believes इन यू देन यू हैव इट इन यू। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमेशा मुझे गाइड करा। यहाँ मैं अपने टीचर्स को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करा, मुझे डेली उन्होंने टारगेट्स बताए कि इस तरीके से अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, ऐसा अगर अपन करेंगे तो अपना जो टारगेट है अपन उसे डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पास एक ऐसा रीज़न होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे हमेशा कि नहीं, ये मुझे करना है। और सिर्फ पास ही नहीं होना है, माना कि CA टफ कोर्स है, मगर अगर आप पूरे डेडिकेशन, पूरी लगन के साथ उसमें भिड़ जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं बचता है और आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव करेंगे। अकाउंट्स पढ़ते समय ये क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, फाइनल 3 टिप्स इस तरह की जिससे हम बड़ा स्कोर अकाउंट में ले पाए। जो भी सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं और जो चैप्टर के बीच में इलस्ट्रेशन दिए हैं, बिल्कुल उसमें 100% वैरायटी कवर हो जाती है। अगर आपने मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आपको बाहर कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो बाहर प्रैक्टिस के लिए दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मगर आपको अगर 100% वैरायटी कवर करनी है कि ये भी क्वेश्चन हो जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब ICAI कुछ भी पूछ ले तो हम उसे कर सके, तो आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अच्छे से करिएगा। ये और थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैंने पर्सनली थ्योरी 3 से 4 बार पूरे चैप्टर्स एक एक वर्ड पढ़े थे मॉड्यूल के, तो मैं ये बोलूंगा कि एग्जाम के एक दिन पहले मॉड्यूल खोल के थ्योरी नहीं पढ़नी है, आज से ही आपकी थ्योरी पढ़ना चालू कर दीजिए और फर्स्ट चैप्टर से उठाइए। प्रैक्टिकल तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आप 2 महीने पहले पढ़ेंगे और एक बार उस देख के चले जाएंगे तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन। मतलब थ्योरी एग्जाम के पहले आप वापस पढ़ेंगे, वापस रिकलेक्ट करेंगे कि ये मैंने पढ़ा है, तो वो बिल्कुल आएगा और थ्योरी बहुत काम आएगी। और प्रैक्टिकल में मॉड्यूल का एक एक पॉइंट आप कवर करना, जो भी दिए सारे क्वेश्चंस, MCQ वगैरह भी जो दिए उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, उनसे भी आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में आपको कमी रह गई कौन से। और अब मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस थोड़ी सी आप कम कर दीजिए, वो टाइम आ गया, क्रूशियल टाइम है, आपके पास टाइम कम है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी अगर होता है तो आप आधे घंटे में उसे सॉल्व करके देखेंगे और फिर क्रॉस चेक करेंगे कि हाँ मैंने ये करा है, तो आप आधा घंटा जो बिगाड़ेंगे अगर आप सिर्फ देख लेते हैं कि हाँ ये पॉइंट है, ये इसका ट्रीटमेंट ऐसे हुआ है, ये ऐसे करा हुआ है, तो वही क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में निपटा सकेंगे। और उसी आप सोच रहे हैं कि ऐसे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो बिल्कुल हो पाएगी प्रैक्टिस। आप वही 2 से 3 मिनट आपको जो लगेंगे वही आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे वापस देखते रहिए, हर 10 दिन बाद वापस वो खोल लिया उसे कैसे करना है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कैसे करना है। और आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा यूटिलाइज होगा, तो बस यही बोलूंगा कि एक एक पॉइंट देख लेना और रीडिंग पर ज्यादा फोकस करना, थोड़ा सारे जो भी इलस्ट्रेशन वगैरह है सारे पॉइंट्स एक बार बस देखते रहना इसका ट्रीटमेंट ऐसे, बाकी एक एक आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम बिगड़ेगा आपका। और बस इसलिए अच्छे से ऐसे ही अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करना, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 80+ 75+ तो हर स्टूडेंट ला सकता है, 100 भी एक्चुअली पॉसिबल है अकाउंटिंग। आप 100 के लिए करेंगे तो एटलीस्ट आपको 95 आएंगे, 95 के लिए करेंगे तो 90 आएंगे, आपका टारगेट हमेशा बड़ा रखिए आप, क्योंकि If you will aim for the moon, you will at least land on the stars. Law में बड़ा स्कोर लाना चाहते हैं, तो गर्वित हम तो बताएंगे कि लॉ में बड़ा स्कोर कैसे आएगा, अकाउंट्स में कितना स्कोर था बेटा? 97 का स्कोर था, वो 3 नंबर गर्वित कहाँ कटे अकाउंट्स में? सर वो मैं तो 100 ही एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब फिर भी क्या थ्योरी में कटे होंगे? नहीं सर थ्योरी अच्छे से, थ्योरी अच्छे से थी, तो कहीं प्रैक्टिकल में कोई आंसर मिस हुआ होगा? एक्चुअली सर जो सजेस्टेड आंसर्स आए थे उससे मैंने पूरे क्रॉस चेकिंग वगैरह की थी,
उसमें तो मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ गलत हो सकता है, मगर वो एक्चुअली पता नहीं 97 का स्कोर है। लॉ पर हम बात करेंगे बेटा, हालांकि लॉ में बड़ा स्कोर लाने के लिए क्या किया जा सकता है? सर एक लॉ से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अकाउंटिंग में फॉर्मेट वगैरह बनाना जरूरी है कि नहीं, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर अकाउंट का नाम, साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, ये बिल्कुल 100% जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि बस टी शर्ट बना दिया और इधर लिख दिया टाइम कम पड़ रहा है, तो आप में से हर बच्चा 3 घंटे में तो एटलीस्ट कर ही सकता है पूरा। अकाउंटिंग में छूटने जैसा कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक एक आपका अकाउंट का हेड लिखा होना चाहिए अकाउंट के ऊपर, लेफ्ट में डेबिट, राइट साइड में, टॉप कॉर्नर पे क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट के साथ साथ यहाँ तक कि ब्रैकेट में फिर रुपए की सिंबल, रुपए का अपनी जो करेंसी है जिस करेंसी में आप सॉल्व कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। और उसके अगर आपको जैसे 100 आ रहे होंगे और आपने उसे इग्नोर कर दिया तो उसके ही वहां मार्क्स कटते हैं, वो तो बस यही सोचते हैं कि कैसे मार्क्स कम किया, तो वो बिल्कुल जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है वो आप पूरी अच्छे से करना। लॉ में जो आईसीआई की मॉड्यूल है उसे ही बस अपनी भागवत गीता, कुरान, बाइबल जो आप मानना चाहें उसे ही बस मानना, बार बार उसे ही आप पढ़ते रहिए, उसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो ग्रेजुअली वो आपके माइंड को रटा जाएगा। लॉ में हाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ेगा। आपको कितना ही अच्छा आता हो, आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉ के रिगार्डिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो, मगर आप पेपर में जो आईसीआई में लिखा है अगर वो नहीं लिखेंगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला। वो यहाँ आगे नहीं देखेगा कि स्टूडेंट को कितना आता है, वो तो बस आपकी आंसर शीट देखेगा कि इसने ये लिखा है, इस सजेस्टेड आंसर्स में ये दिया है। और कई बार ऐसा बहुत ही एक्सपर्ट जो रहते हैं टीचर्स वो चेक नहीं करते हैं कॉपी, कई बार ऐसे ही नॉर्मल सीएस रहते हैं जो बस पास में सिर्फ सजेस्टेड आंसर्स दिए हैं और आपकी आंसर शीट है वो बस मैच करते हैं कि इसने इतना लिखा है, इसने इतना लिखा है, तो वो बिल्कुल आपको एज इट इज जो मॉड्यूल में दिया है वो लिखना पड़ेगा। जो कीवर्ड्स है वो बहुत ही बहुत 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 जरूरी है। और बस हाँ ये दिक्कत नहीं है कि आपको पूरा रटना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस वगैरह आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं, बस जो कीवर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल को बस बार बार पढ़िए, लिखने की अब वही टाइम आ गया, आपके पास लिखने का टाइम बचा नहीं है, बार बार बस पढ़ते रहिए। आप ऐसा भी जैसे मॉड्यूल में मेरी बहुत ज्यादा लॉ में मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी कि मैं लिख लिख के करता था, मुझे हाँ बस एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह जो दिए थे 5 साल उसमें हाँ बिल्कुल आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है, मगर उसके पहले जरूरी नहीं है कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। आपको जमता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ तो ठीक है बिल्कुल लिखिए, मगर आपको लग रहा है कि नहीं यार टाइम बिगड़ रहा है इसमें, जैसे मुझे लिखना इतना पसंद नहीं था, तो आप बस बार बार उसे पढ़ते रहिए, तो आप कोई चीज 10 मिनट में लिखेंगे तो आप 10 मिनट में उसे 10 बार इससे ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा जाएगा। तो बस आपका टाइम बचाइए, बार बार रिपीटेटिव रिविजन करते रहिए। आपका कोई चैप्टर हो गया है लॉ में, अभी तो बहुत छोटा सा सिलेबस है आपका, तो कोई चैप्टर हो गया है तो उसे बस बार बार हर 10 दिन में उसे खोल लिया, हर 10 दिन में उसे वापस पढ़ लिया, आपके पास बहुत टाइम है। एग्जाम के पहले अगर आपका 7 से 8 बार रिविजन बहुत अच्छे से हो जाता है तो एटलीस्ट 60 तो हर बच्चा ला सकता है लॉ में, और 90+ लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप रिपीटेटिव रिविजन करते रहिए एग्जाम आने तक, और इंग्लिश को इग्नोर मत करना। और जो एक्चुअली लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए, इंग्लिश ईजी रहता है, स्कोरिंग रहता है, तो मेरा इससे बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट मानना है। मैं बोलूंगा कि हमेशा लॉ से ही आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे तो आप पहला इंप्रेशन ही नेगेटिव दे देंगे कि इस बच्चे को लॉ में आता नहीं है इसलिए इंग्लिश से लिख रहा है। आपको लॉ से स्टार्ट करना है, आपको पहला इंप्रेशन ही अच्छा बनाना है। और हाँ लॉ में बिल्कुल टाइम कम पड़ता है, मेरा भी बस 5 से 10 मिनट पहले ही हुआ था पेपर और बिल्कुल छूटने के चांसेस थे, हर बच्चे के रहते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका भी 15-15, 20-20 मार्क का छूटा है। बस ये बोलूंगा कि पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, 1 आवर 50 मिनट्स आप अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स के लॉ के लिए अपने पास रखिएगा और बाकी का जो 1 आवर है उसे इंग्लिश को डिवोट कीजिएगा। तो बस एक एक पहले आंसर से ही आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप शुरू में तो आराम आराम से लिख रहे हैं जमा जमा के, बाद में भी टाइम कब पड़ता है तो डॉक्टर की राइटिंग आ जाती है सब में। तो बस ये बोलूंगा कि पहले आंसर से ही आपकी स्पीड मेंटेन कीजिए। आपके जो शुरू के 2-3 आंसर्स है उसमें आपका बेस्ट पॉसिबल जो आप लिख सकते हैं आपको जितना आता है, बिल्कुल कंटेंट भी अच्छा भरना है, स्पीड भी मेंटेन करनी है, लेंथ भी थोड़ी अच्छी देनी है। आपको लग रहा है कि टाइम कम है इसमें, इतनी जरूरत नहीं है इस आंसर में, मगर आप फिर भी उसे लिखिए क्योंकि उससे आपका इंप्रेशन जाता है कि स्टूडेंट को अच्छा नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में। तो आप फर्स्ट में अच्छा लिखेंगे तो आपको बाद में डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। स्पीड शुरू से मेंटेन करना क्योंकि लॉ में स्पीड ही एकमात्र वो फैक्टर है जो सबको दिक्कत देता है, स्पीड हमेशा मेंटेन करना। रवि जब आप लॉ बोलते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसका मतलब होता है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेशन में कुछ विशेष बात, लेटर राइटिंग लिखते समय स्पेसिफिक प्रोफॉर्मा फॉर्मेट को तो फॉलो करना,
पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी मॉड्यूल में फॉर्मेट दिया है बिल्कुल एज इट इज वही फॉर्मेट आपका कॉपी होना चाहिए। हाँ, ऑल्टरनेटिव बहुत सारे फॉर्मेट्स रहते हैं जो एक्चुअली सही भी रहते हैं, मगर हमें वो नहीं लिखना है, हमें जो मॉड्यूल में दिया है हमारे लिए बस वही सही है, उसके अलावा सब गलत। तो मॉड्यूल में जो फॉर्मेट्स वगैरह दिए हैं पर्टिकुलरली सारे अच्छे से आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस भी, जैसे डेट के बाद सब्जेक्ट आएगा तो वो बिल्कुल आपको सीक्वेंस भी उसका याद होना चाहिए, बिल्कुल आप 100% फॉर्मेट को फॉलो करिएगा मॉड्यूल। आपके लॉ में कितना स्कोर था बेटा? 88 था। 88 लॉ का स्कोर था, 97 था अकाउंट का स्कोर। क्यूए में सबसे पहले एलआर हद से ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट है, 15 टू 16 मार्क्स तो कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है, और यहां आपने 15 16 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका ओवरऑल का लगभग 35% जो आपके बाउंड्री के 40 नंबर चाहिए उसमें 35 तो आपने यही स्कोर कर लिए सिर्फ 20 मार्क के उसमें। तो इंग्लिश में क्या एलआर में आप अच्छे से बिल्कुल समझिएगा एक एक पॉइंट क्या दिए, जो डायरेक्शन सीरीज वगैरह होती है, डायरेक्शन टेस्ट और ये करने बैठ गए एक एक की प्रैक्टिस, क्योंकि वहां तो कोई नया क्वेश्चन ही आने वाला है और एक ही टाइप के जनरली रिपीटेटिव क्वेश्चन आते रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाए? स्टैटिस्टिक्स बच्चों को स्कोरिंग लगता है, स्टैटिस्टिक्स में फाइनल टिप्स क्या आपकी तरफ? स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले वगैरह जो भी आपके हैं बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि उन्हें आता सब था मगर वहाँ एग्जाम हॉल में जाके वो फॉर्मूले ही भूल गए कैसे करना था। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स में आप मॉड्यूल के जो भी सारे क्वेश्चन हैं, चैप्टर के बीच में इलस्ट्रेशन वगैरह जो दिए हैं वो बिल्कुल आप एक एक सॉल्व करना, उसमें भी सारी लगभग सारी वेरायटी कवर हो जाती है। और बाकी जो स्कैनर्स पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह हैं उसके भी जो क्वेश्चन है, सर भी जो देते हैं स्कैनर के क्वेश्चन वगैरह, वो भी सब आप अच्छे से करना। और मैथमेटिक्स कुछ स्पेशल टिप्स मैथमेटिक्स के हिसाब से? मैथमेटिक्स में लगता है स्टूडेंट्स को कि हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, मगर मैं बोलूंगा कि 11, 12 का बहुत ही कम मैथ्स आता है सीए फाउंडेशन में, तो आप उससे बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि मेरा मैथ्स नहीं था इसलिए मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा। आप बस भूल जाइए कि आपका मैथ्स था कि नहीं। और जो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन से एक्सरसाइज वापस वही बोलना चाहूंगा, एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन अच्छे से करिएगा। जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, हाँ वो ऑप्शनल रहता है, आप स्किप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, आप इतना कवर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल भी होते हैं, आईसीआई जनरली इतना नहीं पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं मगर आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे मैथ्स में भी फॉर्मूला वगैरह जो है बिल्कुल रखना, अपने दिमाग में याद रखना अच्छे से, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी नया क्वेश्चन बन सकता है। अकाउंटिंग में जैसे क्या है, कोई पॉइंट दिया है तो उसमें बस फिगर्स बदल जाएंगे बाकी वही सब रहेगा, मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में नए क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और इसके लिए मॉक टेस्ट पेपर्स मैथ के बहुत जरूरी रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को टाइम की बहुत कमी पड़ती है, उन्हें लगता है कि 100 मार्क का 2 घंटे में करना मुश्किल है, मगर कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स जो सर बताते हैं उन्हें वो बहुत काम आती है। एग्जाम में 2-3 मिनट जो आपको लगते हैं आप 10 सेकंड में कैलकुलेटर के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा जो बेसिक उसका फॉर्मूला है उसे भी इग्नोर मत करना, एटलीस्ट उसे याद रखना कि आप एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हो, आपके साथ कुछ हो जाता है कि आपको एक्चुअली उस टाइम पे रिकलेक्ट नहीं होता है, तो आप एक्चुअली आप फॉर्मूले में डाल के तो एक्चुअली वो आंसर कर ही पाए जो भी आपका दिया हुआ है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप वो भी करिएगा और प्रैक्टिस 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 इज द की इन मैथ्स। आपने मॉक टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वेबसाइट को सब करी थी? जी सर बिल्कुल, ठीक है। अंतिम सब्जेक्ट बेटा इकोनॉमिक्स और बीसी के। इकोनॉमिक्स बहुत बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जो बीसी के है उसमें बहुत सारे मतलब रटने की चीजें रहती है, जैसे ईयर ऑफ फॉर्मेशन कौन सी कंपनी, इस कंपनी का कब हुआ था, इस कंपनी का सीईओ कौन है, और उसमें आप एक जो चैप्टर है वो बहुत भारी पड़ता है स्टूडेंट्स को, आप चाहे तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, उस चैप्टर से ज्यादा 2-3 मार्क्स के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप उसे इग्नोर करेंगे उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा अगर आप चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रटने का है, आप अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो भी चांसेस है कि एग्जाम में आप जाके भूल जाए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, बस वो रटना है आपको प्लेन, उसको पढ़ते जाना है ग्रेजुअली आपको याद होगा, आप चाहे तो उसे इग्नोर कर सकते हैं बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वापस से बोलूंगा कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस दिए हैं उसमें 90-100 कुछ क्वेश्चंस रहते हैं हर चैप्टर में लगभग, उन्हें आप अच्छे से करना। इकोनॉमिक्स में भी लिमिटेड क्वेश्चंस ही बन सकते हैं, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे तो एटलीस्ट 80+ तो ला सकते हैं, और 100 लाना भी बहुत 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 ही ईजी है। तो मैंने तो इकोनॉमिक्स को बहुत ही ज्यादा कम टाइम डिवोट करा था इसलिए मार्क्स थोड़े से कम भी आए, मुझे 94 आए इकोनॉमिक्स में, मगर आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आपका काम टाइम कम डिवोट करें दूसरे सब्जेक्ट। आपको बताना चाहूंगा
कि 94 में जितने गर्भित क्या उसमें हमारे 3 बच्चे पास हो जाते हैं।